हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्लॉग्स में। तो आज की गाड़ी है मेरे पास टाटा नैनो, जो कि मेरी खुद की है, और इसमें दो प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं स्टीयरिंग को जब इतना लेफ्ट पे रख रहा हूँ तो गाड़ी सीधी चल रही है बिल्कुल, और इसी जगह पे अगर मैं जैसे यहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट में मैंने रखा हुआ है यहाँ से, तो गाड़ी सीधी चल रही है। अगर मैं ऐसे सीधा स्टीयरिंग कर दे रहा हूँ तो ये जो है राइट साइड में ज़्यादा कट रही है, मतलब राइट साइड को जा रही है अपने आप, और लेफ्ट पे रखने पर जैसे कि इस स्टीयरिंग को इतना रखने पे ये बिल्कुल सीधी चल रही है। सेकेंडली चीज़, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी मैं ब्रेक दबा रहा हूँ तो ब्रेक पैडल एक तो अंदर जा रहा है, दूसरा इसका ब्रेक फ्यूल का लेवल कम हो गया है, तो शायद इसके ब्रेक शू भी ख़त्म हो गए हैं। तो वो सब आज मैं खोल के चेक करूँगा, तो आप बने रहें मेरी वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों, ये देखिए मैंने गाड़ी को जैक पे उठाया अभी, और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये चीज़, तो ये टायर घिस रहा है ये, जबकि मैंने नया टायर डलवाया था कुछ टाइम पहले ही, मतलब 4-5 महीने पहले ही, और बीच में आप देखेंगे बिल्कुल सही है, और साइडों से ये घिसना शुरू हो गया है ये देखिए यहाँ से। और अब मैं आपको दूसरा वाला टायर दिखाऊँ, ये इसमें पुराना टायर था, और ये देखिए ये पूरा घिस चुका है, मतलब ये अलाइनमेंट की वजह से ही इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, जबकि मैंने अलाइनमेंट 2 बार पहले भी करवाई थी, बट इसमें प्रॉब्लम आई। अभी मैं इसका टायर खोल कर देखूंगा क्या दिक्कत आ रही है। तो ये देखिए, ये टायर मैंने इसका खोला तो ये एल ब्रैकेट जो है हल्के से मतलब प्रॉब्लम लग रही है इनमें, कि ये बैंड हो सकते हैं। इसे अब खोल के देखेंगे कि इनमें क्या दिक्कत है। और साथ में ही ये जो एल ब्रेकेट होते हैं, ये स्टेयरिंग को घुमाते हैं, मतलब टायरों को घुमाते हैं, स्टेयरिंग के साथ लगे होते हैं यहाँ, ये स्टेयरिंग है और इस ये टायरों को घुमाते हैं पूरा का पूरा। और यहीं पर अगर मैं, ये रहा स्टेयरिंग का लो लगा हुआ, और ये देखिए तो शॉकर में भी इसका ऊपर एक कवर लगा होता है जिससे ये रबड़ को सेव रखता है, पर लीकेज नहीं है भाई, ये हट चुका है किसी वजह से। और ये माउंट भी इसका ठीक है अभी, मतलब शॉकर का काम ओके है, बट और चीज़ देखता हूँ मैं कि वो अलाइनमेंट कैसे आउट हुई है, किससे आउट हुई है। ये तो मैंने खुलवा ही लिया है, और चेक करके पता चल गया हमें कि हमारा जो एल ब्रेकेट है वही बैंड है, उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रही है। वो मैं आपको पुराना वाला दिखा दूंगा। अभी मैं इसके ब्रेक शू के लिए इसको ड्रम को खुलवा रहा हूँ, ब्रेक ड्रम को खुलवा रहा हूँ, और चेक करूँगा कि ब्रेक कैसू कैसे हैं। तो दोस्तों, हमने ड्रम हटा दिया है, ब्रेक से वो भी निकाल दिए हैं, और ये देखिए ये भी लीक कर रहा है, मतलब ये व्हील सिलेंडर होता है जिसके अंदर की ब्रेक ऑयल आता है, और यही लीक कर रहा है जब हम ब्रेक लगाते हैं, तो ये ब्रेक को फैलाता है जिससे कि ब्रेक लगते हैं। और ये देखिए, ये भी थोड़े बहुत चल जाएंगे पर अब बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं चेंज ही करा रहा हूँ, अगले पिछले सारे चेंज करा दूँगा। अब मैं पीछे वाला भी एक बार ड्रम खोल के चेक कर लेता हूँ कि उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए पीछे वाला ड्रम भी खोल देता हूँ। तो ये ओपन कर रहे हैं पिछला ड्रम, जब ये खुल जाएगा तो फिर हम आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये वाला भी ड्रम खुल गया है और ये भी लीक कर रहा है, इसी की वजह से मेरा ब्रेक जो फ्यूल है, जो ब्रेक ऑयल है, वो बार बार कम हो जा रहा था, उसका लेवल बार बार कम हो जा रहा था, और मुझे बार बार टॉपअप करना पड़ रहा था, और ब्रेक भी इसी की वजह से कम लग रहे थे। अभी पिछले वाले शू तो ठीक हैं, पर मैं लेके रख लूँगा इस बार ही, क्योंकि बार बार फिर पता नहीं कब क्या होता है, तो इसलिए। और टाटा नैनो के पिछले जो ब्रेक शू होते हैं वो अगले वाले एक बार चेंज हो जाएँ उसके बाद दूसरी बार में चेंज होते हैं। तो अब चलते हैं, अब ये दूसरी साइड का भी खोल रहा हूँ, अगर ये वाला भी लीक हुआ तो फिर सारे ही ले आऊँगा। दो व्हील सिलेंडर तो लीक है, और ये वाला भी खोलता हूँ, एक सही है, अब ये वाला चेक करते हैं, अगर ये भी लीक हुआ तो 3 व्हील सिलेंडर लेके आऊँगा। गाइस, थोड़ा सा मैं आपको पुराना सामान भी दिखा दूँ, और किस वजह से अलाइनमेंट बार बार आउट हो रही थी और टायर खा रही थी वो भी दिखा दूँ। तो ये दोनों एल ब्रेकेट है जिनके कारण अलाइनमेंट और मेरा जो गाड़ी का टायर है वो बार बार वो राइट साइड का खा रही थी। तो देखिए, ये राइट साइड लिखा है, राइट RH, तो ये वाला जो साइड है ये लेफ्ट साइड का है, इसमें सही से दिख नहीं रहा है। तो देखिए, अभी मैंने दोनों को इस तरीके से रखा हुआ है बराबर पोजीशन में इस साइड से, तो ये देखिए। और अब इसमें देखिए आप, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये एक पीछे जा रखा है और एक आगे आ रखा है, ये देखिए इस साइड से, तो ये पूरा आगे आ रखा है, जिसकी वजह से कि गाड़ी में प्रॉब्लम अलाइनमेंट की और उसकी आ रही थी। ये देखिए, ये पूरा आगे पीछे, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे में भी ये गैप दिखा रहा था थोड़ा सा, ये शायद आगे हो रखा है, ये बराबर कर दिया मैंने। और ये देखिए, ये दोनों के दोनों आगे भी पीछे हो रखे हैं,
ये इस एंगल से भी देखेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि इसकी वजह से ही टायर खा रही थी, अलाइनमेंट आउट कर रही थी बार बार गाड़ी, क्योंकि मैं अलाइनमेंट करवा देता था फिर वही प्रॉब्लम दोबारा आ जाती थी। तो ये मैंने चेंज करवा लिए हैं जब मैं सामान लेने गया होता था, तो ये मैं पहले से ही लेके आया था, उन्होंने बताया था तो वो ले आया था। और ब्रेक शू भी दिखा देता हूँ आपको, और चीज़ें भी। सो गाइस ये देखिए, ये है इसके ब्रेक पैड जो कि ख़त्म हो चुके हैं, जैसे मैं दिखाने के लिए वीडियो वो कर रहा था। तो ये देखिए इस तरीके से इसके, ये रबड़ होती है, लेदर होती है, ये इसमें लगी होती है। और ये वाला पूरा घिस चुका है, एक साइड ऐसा रहता है दूसरी साइड में वो कट रहता है, तो ये घिस चुके हैं और ये घिसे हैं इसकी वजह से। जैसे ही ब्रेक लगते थे तो ये पूरा पूरा दब जाता था और प्रेशर नहीं बना पाता था इनके ऊपर, इस वाली साइड के ऊपर, जिसकी वजह से ये ब्रेक शू ज़्यादा काम नहीं करते थे, लगते नहीं थे। और एक ही साइड के ब्रेक शू दबते थे और एक ही साइड के ब्रेक लगते थे, जिसकी वजह से ये जल्दी ख़त्म हो गए। तो इसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें चेंज कराई, अपना व्हील सिलेंडर भी और ब्रेक शू भी। पिछले ब्रेक शू भी लाया था बट वो पीछे वाले ब्रेक शू ठीक थे, ये कम लीक थे पीछे वाले व्हील सिलेंडर, जिसकी वजह से वो कम वो हुए हैं, घिसे हैं। तो मैंने वो चेंज नहीं करे, अपने पास रख लिए नए, और ये सब चीज़ चेंज करा ली है। इन सब के मैं आपको प्राइस बता दूंगा, कितने का क्या क्या आया वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आप बने रहें अभी मेरी। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं पहले लाया था तो ये इन्होंने ये लगा दिए हैं, पर एक गलती कर दी कि यहाँ पे ये वॉशर लगा दी, वॉशर नहीं लगाने दी, बिना वॉशर के ही लगता है ये। और ये पूरा अब ये दूसरे टाइप का आया, काफ़ी हैवी है, जिसकी वजह से ये अब बैंड नहीं होगा। ये देखिए दूसरी साइड का ये भी लग चुका है। तो ये दोनों दोनों हो चुके हैं फिट। अब करते हैं ब्रेक शू का काम और व्हील सिलेंडर का। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हम व्हील सिलेंडर और ब्रेक शू को लगाने का। तो ये देखिए अभी तो व्हील सिलेंडर लग रहा है, इसके बाद ब्रेक शू लगेगा। उससे पहले अभी मेरे जो है एक पीछे डोर का राइट साइड का, उसका हैंडल भी टूटा हुआ है, तो वो तब तक मैं वो लगाता हूँ जब तक ये इन्हें फिट करते हैं। तो ये देखिए ये वाला टूटा हुआ था और मैंने ये फिट कर दिया है। ये यहाँ पे एक पेच होता है ये वाला, और यहाँ से खोल के आराम से लग जाता है। तो तब तक इन्होंने ये भी फिट कर दिया है, देखिए ये ब्रेक शू और व्हील सिलेंडर को फिट कर दिया है। अब इसको हम पैक कर देंगे, उसके बाद पीछे वाले जो व्हील सिलेंडर है उनको लगाना है। ये यहाँ से लग चुका है दोनों के दोनों, ब्रेक शू व्हील सिलेंडर और इसका जो एल ब्रेकेट था वो भी देखिए लग चुका है। तो ये है हमारा व्हील सिलेंडर जो इसमें लगा हुआ था, और ये है KVX का जो कि, और एक और बात, नैनो में अलग तीन तरीके के आते हैं, TVS, KVS और एक और है उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के इसमें ब्रेक शू और ये होते हैं व्हील सिलेंडर। ये देखिए पीछे वाला ये लेफ्ट साइड का है, जिसका कि व्हील सिलेंडर लग चुका है, ये भी लीक था। और अब मैं आपको अगर आगे का दिखाऊं तो अभी ये सही लग चुका है, तो दूसरी साइड का भी दिखाता हूँ। दूसरी साइड का लगा रहे हैं अभी, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए इस साइड का भी लग रहा है। ये कंप्लीट हो जाता है, फिट हो जाएगा, उसके बाद हम सब टायर वायर लगा के उसके बाद अलाइनमेंट को चेक करेंगे, तो आप बने रहें वीडियो में। तो ये देखिए टायर वायर लगा दिए हैं मैंने सारे के सारे, ये आगे वाला, यहाँ पे देखिए सीधा हो रखा टायर। अब मैं स्टेयरिंग घुमा देता हूँ, ये स्टेयरिंग अभी सीधा है, और यहाँ पे देखें ये टायर बिल्कुल सीधा है। पर अगर आप यहाँ वाला टायर देखेंगे तो ये देखिए ये राइट को हल्का सा कटा हुआ है, ये पहले की जो चूड़ियाँ स्टेयरिंग की काटी गई थी वो इस पोजीशन में थी, उस वाले एल ब्रेकेट की वजह से जो कि ख़राब हो रखा था उसके चक्कर में। देखिए जो बता रहे हैं कि ये इतना आउट जा रहा है, इतना अंदर घुसा हुआ है उस एल ब्रेकेट के चक्कर में। अभी हम इसकी चूड़ी को बिल्कुल सीधा करके अलाइनमेंट को सीधी मिला के फिर करते हैं। अब मैं इसे स्ट्रिंग को घुमाता हूँ, उस साइड की चूड़ी को टाइट करते हैं। तो स्ट्रिंग अभी फुल काट के फिर उसके बाद चूड़ी को लूज़ करता हूँ। ये देखिए अब यहाँ से हमें चूड़ियों को, जो स्टेयरिंग की चूड़ियाँ हैं जो स्टेयरिंग एंड से और एल ब्रेकेट में लग रही हैं, वो वाली चूड़ियाँ लूज़ करनी होंगी। ये लूज़ हो गई हैं, और यहाँ आप देखेंगे ये है स्टेयरिंग का रैक और एंड, जिसे कहते हैं एंड, वो घूम रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि स्टेयरिंग अंदर को जाएगा, उसे घुमाने पे अंदर को होता है, जिससे अलाइनमेंट हमारी सीधी होती है, टायर सीधा होता है। अभी फिर से स्टेयरिंग को सीधा करके चेक करना होगा अलाइनमेंट को।
हमने टायरों से तो बिल्कुल सीधा कर दिया, पर स्टीयरिंग अभी भी हल्का सा लेफ्ट में ही है, क्योंकि ये जब पहले अलाइनमेंट हुई थी तो उस टाइम पे स्टीयरिंग को सीधा करने के लिए निकाल खोल के लगाया गया था। तो इसी अब हम भी इसके स्टीयरिंग को खोल के फिर से सीधा बैठा देंगे, जिससे कि गाड़ी, क्योंकि नीचे से तो सीधी चल रही है बट ऊपर की साइड से गाड़ी का स्टीयरिंग टेढ़ा है अभी भी, तो इसे खोल के फिर से बिठाएंगे और फिर गाड़ी परफेक्ट हो जाएगी। तो स्टीयरिंग व्हील को हमने खोल के टाइट कर दिया है और अब ये बिल्कुल सीधे चल रही है, जिस तरीके से अभी आपको मैं दिखाता हूँ, फिर हाथ वाथ छोड़ के चला के। तो ये देखिए, इन्होंने हाथ हटा दिया है और अब बिल्कुल रोड पे सीधी चल रही है ये, क्योंकि हल्की फुल्की रोड अभी टेढ़ी होती है, इस वजह से स्टीयरिंग को पकड़ना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। ये देखिए अभी छोड़ रहे हैं। तो अब कहने का ये मतलब है कि गाड़ी बिल्कुल ठीक हो चुकी है अलाइनमेंट से भी और ब्रेक से भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पैसे कितने लग गए मेरे टोटल ब्रेक शू इस चीज़ों में, तो कैलकुलेट। तो दोस्तों, अगर मैं इस सारे सामान की बात करूं और कितना मैंने पे किया है इन सब चीज़ों के लिए, मतलब ये सारे काम के लिए, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए 800 रुपये के तो मुझे फ्रंट के ब्रेक शू पड़े थे, 850 मुझे पीछे वाले, जो कि मैंने लगाए नहीं, अपने पास रख लिए क्योंकि वो ठीक थे भी, पर मैं ख़रीद के ले आया था तो मैंने रख लिए। व्हील सिलेंडर 400 रुपये का एक था, तो 1200 रुपये के हो गए तीन व्हील सिलेंडर। 1400 रुपये के उसके एल ब्रेकेट आए थे, और 75 रुपये का आया था जो मैंने आपको दिखाया डोर हैंडल वो भी, और 100 रुपये का जो ब्रेक ऑयल था वो, और 600 रुपये मैंने पे करे थे, 600 रुपये पे करे थे उनको जो साथ में काम कर रहे थे। तो ये सारा टोटल खर्चा आया 5025 रुपये का, तो ये सारा खर्चा आया 5025 रुपये का। तो इस तरीके से सारा टोटल खर्चा आ गया आज सिर्फ इसी में, और अलाइनमेंट सब जो भी टोटल था ये सारा का सारा खर्चा है आज का। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।